हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का कुन्नर क्लासेस में। मैं धर्मजीत सिंह कुन्नर आज आपको रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर बताऊंगा कि कैसे कैलेंडर से हम तारीख निकालते हैं, देखते हैं। सिंपल कैलेंडर से तो तारीख निकालना, देखना, वार सब कुछ देख सकते हैं आप लोग। ये मोबाइल में भी आजकल लोग देखने लगे हैं, पर अगर आपको सिंपल एक तारीख दे रखी हो और उस तारीख के बाद से अगर उस तारीख के बेसिस पर आपने डेट निकालनी है, तो वो डेट आप कैसे निकालेंगे, आज हम यही चीज देखेंगे। ठीक है जी, तो जो जो मेरे साथी जुड़ चुके हैं, सबको गुड इवनिंग एंड वेलकम इन माय क्लास। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ठीक है जी, अब सबसे पहले कैलेंडर यानी कि कोई भी अगर वर्ष आ जाता है, तो इस वर्ष के अंदर हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कितने दिन, महीने, डेज ये होते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले लेते हैं वर्ष यानी कि ईयर। हम एक साल का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि एक साल है। ठीक है जी, एक साल है, उस एक साल के अंदर कितने महीने होंगे, 12। कितने महीने होंगे, 12 महीने होते हैं। ठीक है जी, और जनरली साल के अंदर कितने दिन होते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे साथी कि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, जल्दी से बताएंगे प्लीज। एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ जी, एक साल के अंदर जनरली जो हम यूज करते हैं वो होते हैं 365 यानी कि 365 दिन, या अगर कोई लीप ईयर है जिसको हम अधिकतम वर्ष कहते हैं, तो उसके अंदर होते हैं 366 दिन। ठीक है जी, बेसिक इंफॉर्मेशन है ये हमारी। अगर हम बात करें वीक की, सप्ताह की, तो कितने सप्ताह होते हैं एक साल के अंदर, एक साल के अंदर कितने सप्ताह होते हैं। ठीक है जी, सप्ताह निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, 7 से डिवाइड कर देना। किससे, 7 से। अब यहां पर देखिए 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, वन रिमाइंडर, ऊपर से 5 आया, 7 2 14, 1 बचा, तो कितने वीक हुए, 52। कितने वीक हुए ये हमारे, 52। बट अब यहां से आप एक चीज को नोटिस कीजिए, ये जो चीज है ये हमारे इस पूरे चैप्टर का, कैलेंडर का बेस है, यहीं से हमें सब कुछ पता लगेगा। तो जो ये 1 मार्क हो गया यानी कि जो ये एक दिन एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है जी, 365 डेज से एक दिन एक्स्ट्रा बच गया, तो जो 52 वीक होते हैं इनके साथ में 1 डे एक्स्ट्रा होता है, 1 डे एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा डेज है हमने इसको ही याद रखना है, इस एक्स्ट्रा डेज के ऊपर फोकस्ड रहिए, यही एक्स्ट्रा डे है जो हमें आगे आइडेंटिफाई करवाएगा कि दिन कैसे निकाले जाते हैं दी हुई तारीख से। अब अगर हम बात करें लीप ईयर की, 366, तो 366 में क्या हुआ, वही 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, वन रिमाइंडर, ऊपर से 6 आया, 7 2 14, 2 रिमाइंडर, तो यहां पर भी 52 तो हो गया, बट क्या हुआ, लीप ईयर के अंदर प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा हो गए। यहां तक सबको क्लियर हो गया है, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप एक्स्ट्रा डेज को फाइंड आउट करना सीख चुके हैं या नहीं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि जो हमने ये देखा कि हमारा जो एक साल के ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया, 12 महीने नॉर्मली सबको पता है, और दिन होते हैं 365 या 366, 366 यानी कि लीप ईयर के डिपेंडेंट, उस बेसिस पे जो हमारे वीक होते हैं वो कितने होते हैं, 52 वीक्स गिनते हैं, बट उसके साथ कुछ डेज एक्स्ट्रा होते हैं। जो साधारण वर्ष नॉर्मल ईयर होता है उसके अंदर एक दिन एक्स्ट्रा, और जो अधिकतम वर्ष होता है उसके अंदर 2 दिन एक्स्ट्रा। क्लियर है? तो अब सिंपली अपने पास कोई कैलेंडर उठा लीजिए और अब उस कैलेंडर के अंदर देखिए कि 1 जनवरी 2021 को क्या दिन था, 1 जनवरी 2021 को क्या वार था, जल्दी से देखें और मुझे बताएं।
1 जनवरी 2021 को क्या वार था? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, कैलेंडर में से देख के बता दीजिए कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा डे था? जल्दी से मुझे बताइए, कैलेंडर में देखकर बता दीजिए, फोन के अंदर से या आपके पास कोई भी कैलेंडर हो तो जल्दी से बताएं 1 जनवरी 2021 को क्या दिन था, और उसके बाद फिर मुझे बताएं कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। ठीक है जी, तो जल्दी से बताएं 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था हमारा, जल्दी से बताएं। हाँ जी बिल्कुल, कैलेंडर में से देखकर बता दीजिए ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना है। 1 जनवरी 2021 को आ था हमारा फ्राइडे। अब मुझे ये बताइए कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिए कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, ताकि हम इस एक्स्ट्रा डे जो हमने कैलकुलेट किया है हम इसके लॉजिक को समझ पाए कि ये एक्स्ट्रा डे कर क्या रहा है, ये एक्स्ट्रा डे क्या कर रहा है। हाँ जी, ये फ्राइडे, तो नेक्स्ट 1 जनवरी 2022 को क्या बनेगा, सैटरडे। बिल्कुल ठीक। अब आप देखिए इन दोनों में कितने डेज का फर्क है, +1, यानी ओनली वन डे का फर्क है। ठीक है जी, अब ये वन डे का फर्क वो ये है, एक दिन जो साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा होता है। ठीक है जी, एक दिन जो साधारण वर्ष के अंदर एक्स्ट्रा होता है, संडे नहीं सैटरडे बनेगा 1 जनवरी 2022। ठीक है जी, नेक्स्ट ईयर सैटरडे। अब ये देखिए सैटरडे का कारण क्या है, 52 वीक्स तो हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है जी, 52 वीक्स कंप्लीट, अब नेक्स्ट क्या आया, एक दिन और एक्स्ट्रा हो गया। तो जब 1 जनवरी को शुक्रवार है तो अगली 1 जनवरी को क्या होगा, शनिवार होगा। और यहां से देखिए ईयर भी क्या है, नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, अब मुझे जरा पीछे चलिए यहां से, अब मुझे बताइए सोचकर कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा डे था, 1 जनवरी 2020 को जो ये एक्स्ट्रा डेज है ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, 1 जनवरी 2020 को कौन सा डे था। यहां से अब देखिए 2020 ये क्या होता है, हमारा अधिकतम वर्ष, लीप ईयर कहते हैं, और लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 2। तो ये फ्राइडे से 2 स्टेप माइनस जाएगा, फ्राइडे से 1 स्टेप माइनस क्या बना हमारा, थर्सडे, और थर्सडे से अगला 1 स्टेप माइनस क्या बना हमारा, वेडनेसडे। तो आप चाहे अपने कैलेंडर के अंदर चेक कर लीजिए कि 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे, और उसके बाद फिर 2 दिन एक्स्ट्रा होने की वजह से 2 दिन प्लस हो गए, तो थर्सडे के बाद सीधा क्या आ गया, फ्राइडे, पर अगला ईयर नॉर्मल ईयर था तो सैटरडे। अब यहां तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा नहीं आया समझ में, चलो मैं इसको रिपीट करता हूं, यहां पर आप ध्यान से समझिए, ये बेसिक सी चीज है, बिल्कुल नॉर्मल, ये समझ में आती पूरा कैलेंडर समझ में आ जाएगा आपको। हमने ओड डेज के ऊपर, जो हमारे ओड डेज या हम एक्स्ट्रा डे कहते हैं जिसको, ठीक है जी, ओड डेज या एक्स्ट्रा डेज जो होते हैं, ये समझ में आ गए हमें तो पूरा कैलेंडर समझ में आ गया। देखिए एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, ठीक है जी, अब 365 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, सबसे पहले तो 7 से क्यों, क्योंकि 1 वीक हो गया। अब आप सिंपल सी एक चीज देखिए, 1 तारीख को मान लीजिए, अब 1 फरवरी को संडे आ रहा है, ठीक है जी, 1 फरवरी को संडे है, तो 8 फरवरी को क्या होगा, संडे, क्योंकि 1 + 7 = 8, बिल्कुल 7 7 के गैप पे वही सेम डेट चलती चलेगी, क्योंकि हमारा वीक 7 का होता है। अब जैसे हम इस 365 डेज को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 = 35, 1 हमारा रिमाइंडर, ऊपर से हमने उतारा 5, और 7 2 = 14, तो ये बचा हमारा 1। तो 52 वीक्स तो हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है जी,
और जो ये वन डे एक्स्ट्रा बचा, ये हमारा नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, जो आने वाले हर साल के अंदर कभी भी हो। जैसे आज की ही तारीख लगा लीजिए, आज तारीख क्या है हमारी, 27 जनवरी 2021, तो आज क्या है, वेडनेसडे है, बुधवार, और 27 जनवरी 2022 को क्या होगा, वीरवार होगा। यही जो एक दिन एक्स्ट्रा है, ये इस एक दिन की वजह से, ये इस एक दिन की वजह से वो एक्स्ट्रा होगा। अगर लीप ईयर होता, अगर लीप ईयर हो तो लीप ईयर के अंदर 2 दिन, 2 दिन का लॉजिक क्या है, 366 डेज का होना, ठीक है जी, 7 से डिवाइड करेंगे वही 52 वीक्स आएंगे, ठीक है जी, 35 में 1, 6, 14, और ये 2 हमारा रिमाइंडर आएगा यहां पर, ठीक है जी। ये होता है हमारा अधिकतम वर्ष का 2 दिन का लॉजिक होता है ये। अब यहां पर सबको क्लियर हो गया तो अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि एक्स्ट्रा डेज समझ में आ गए कि नॉर्मल ईयर के अंदर एक होता है और अधिकतम वर्ष के अंदर 2 होते हैं, यानी कि लीप ईयर के अंदर 2 होते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरीज हैं कैलेंडर से रिलेटेड, उसको कवर अप कर देंगे, और फिर आप सभी से आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी आज बनवाते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को कौन सा डे था। जनरली याद भी होता है, बट हम उसे कैलकुलेट भी करके देखेंगे कि कैलेंडर से हम उसको कैसे बना सकते हैं। तो जल्दी से बताएं, ये एक्स्ट्रा डे जो ओड डे का कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया कि कैसे एक दिन आगे बढ़ रहा है। और जो नॉर्मल अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि 27 जनवरी 2021 को बुधवार है, तो 27 जनवरी 2022 को क्या होगा, वीरवार। क्यों? क्योंकि 21-22 लीप ईयर नहीं है, तो कहीं पे भी 2 दिन नहीं जुड़ने, एक दिन जुड़ना, ठीक है जी। ये हुआ। अब बात आती है अधिकतम वर्ष, यानी के लीप ईयर। अब लीप ईयर किसको कहते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताइए कि लीप ईयर किसको कहते हैं, लीप ईयर किसको कहते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि साधारण वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष कौन सा होता है और वो कब आता है, लीप वर्ष कौन सा होता है और वो कब आता है, और ये जो दो आपके सामने ईयर लिखे हुए हैं, इन दोनों में से कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नहीं है, ठीक है। हमने एक कॉन्सेप्ट देख लिया कि एक साल के बाद नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ता है या 2 दिन बढ़ते हैं। अब बात आती है लीप ईयर के अंदर, भी लीप ईयर होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट हमारे कैलेंडर के अंदर लीप ईयर कहा जाता है कि लीप ईयर होता क्या है और कितने टाइम के बाद आता है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये भी बताएं कि इन दोनों में से कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। हाँ जी, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। और 2020 हमारा लीप ईयर था, ये बिल्कुल राइट चीज है एक पार्ट से, ठीक है जी। लीप ईयर के भी 2 पोर्शन होते हैं, जनरली हमें एक ही पता होता है, हम बच्चों को भी वही एक सिखा रहे होते हैं जो हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, ठीक है जी। कभी भी किसी ईयर का लीप ईयर चेक करना हो तो उसकी लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखा जाता है, ठीक है जी। जो लास्ट की 2 डिजिट हैं, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, ठीक है जी। तो 20 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 5 20, रिमाइंडर कुछ नहीं। और यहां पर जब हमने डिवाइड किया 21 को 4 से, तो 4 5 20 और रिमाइंडर 1। तो इस वजह से ये जो है 2021, ये लीप ईयर नहीं है, और 2020 ये क्या है, हमारा लीप ईयर है, ठीक है जी। 2020 ये क्या है, हमारा लीप ईयर था, मतलब जो था ये हमारा, ये लीप ईयर था, ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। इसको ये रहा, हर 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर आता है, 2004, 8, 12, 16, 20, 24, ऐसे क्या है, हमारा लीप ईयर आता चलेगा, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि 2000 और 2100, सन 2000 और सन 2100 में से कौन सा लीप ईयर है, इन दोनों में से बताएं मुझे कौन सा लीप ईयर है, या दोनों ही लीप ईयर हैं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं,
लीप ईयर। अधिकतम वर्ष लीप ईयर 2000 और 2100 में से कौन सा लीप ईयर है, या दोनों लीप ईयर हैं? ठीक है जी, जल्दी से बताएं मुझे इनमें से कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नहीं है, या दोनों ही लीप ईयर हैं या दोनों ही लीप ईयर नहीं है। जल्दी से कोई मेरा साथी बता सकता हो? आई होप कि आपको दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं पता। ठीक है जी, जो अभी 2000 गया था, आप इस चीज को अच्छे से, एक तरीका है याद रखने का कि हम नॉर्मल जी रहे हैं, 4 साल वाले कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं और लगभग हमारी चीजें ठीक आ रही है। नहीं, दोनों लीप ईयर नहीं है। ठीक है जी, दोनों लीप ईयर नहीं है, ये मैं आपको क्लियर करता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रिसेंटली हमारी ये जितनी है कि हमने ईयर 2000 को देखा। ठीक है जी, 2000 लीप ईयर था। ठीक है, कभी भी जब सेंचुरी आ जाती है, जब पूरा 100 आ जाता है, 100, 200, जैसे कि ये 2000 या 2100, जब भी ये पूरी शताब्दी आ जाती है, पूरी सेंचुरी आ जाती है, ठीक है जी, उस वक्त आप उस सेंचुरी को 400 से डिवाइड करेंगे। अब 400 से ना ये होता ना ये होता, ये होता है और ना ये होता, तो आने वाला जो 2100 होगा ये लीप ईयर नहीं होगा। यहां बीता हुआ जो हमारा 1900 था वो लीप ईयर नहीं था। 2000 बिल्कुल ठीक था, हमारा लीप ईयर था। इस कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छे से याद रखिए, ये रही चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से हमारे साथियों को लीप ईयर का पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, जिस वजह से क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांस हो जाता है। सिंपली एक ही कॉन्सेप्ट का पता है हमें, 4 साल बाद, 4 साल बाद करते रहते हैं, बट जब पूरी शताब्दी होती है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 400 से डिवाइड होने वाले ही लीप ईयर होते हैं, जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000 और 2400 एटसेट्रा, ऐसे जो चलता चलेगा। जो इसके अलावा हमारी शताब्दी, जैसे 1900 गई या 2100 जो हमारी आएगी, वो लीप ईयर नहीं होंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने इस कॉन्सेप्ट का। ठीक है जी, दो चीजें हैं हमारी लीप ईयर की, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे बता दीजिए और बता भी दीजिए आपको यहां तक ये समझ में आ गया या नहीं आया। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया या नहीं आया। हाँ जी, 2100 लीप ईयर नहीं था। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है या नहीं, तो हम फिर आगे बढ़े, नहीं तो इसके ऊपर हमें दोबारा वर्किंग करनी पड़ेगी। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो था एक्स्ट्रा डेज, वो हमने देखे कि साल के बाद कितने एक्स्ट्रा डेज बनते हैं, सिंपल वही एक दिन आगे बढ़ेगा या 2 दिन आगे बढ़ेगा हमारा जो वीक होगा। ठीक, सेकंड थिंग है जो हमारी, वो है हमारा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। लीप ईयर के अंदर हमने क्या देखा है, लीप ईयर के अंदर हम देख रहे हैं कि 400 से डिवाइड होने वाला जो शताब्दी है वही लीप ईयर है, दूसरी शताब्दी है लीप ईयर नहीं है, और बाकी जो सिंपल है वो 4 4 साल के बाद आते चले गए। चलो ठीक है, आपने लीप ईयर पे ले लिया है, तो अब हम बात करें एक्स्ट्रा डेज की। ठीक है जी, अब एक्स्ट्रा डेज जो हमने देखे थे कि ये हमने नॉर्मली लिया कि एक दिन होता है हमारा साधारण वर्ष में और 2 दिन होता है अधिकतम वर्ष में, वही इसके अंदर हमने क्या किया है, 365 से डिवाइड किया 7 को, 365 को 7 से डिवाइड किया। ठीक है जी, तो यहां पर क्या बना हमारा, 1। ठीक है जी, तो ये एक लीप ईयर। अब ऐसे ही 2 दिन के अंदर क्या बना, तो 2 दिन कब बने, जब हम 366 को कर रहे हैं, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से, तो यहां पर हमारे 2 दिन बचे। ठीक है जी, पहली चीज ये हो गया एक साल के अंदर। ठीक है, अब बात आती है 14 साल के अंदर। जनरली आप लोगों ने क्या, कभी पीछे अगर कैलेंडर याद किया हो तो आपको कोड याद करवा दिए जाते हैं, शताब्दियों के कोड याद करवाए जाते हैं,
जनवरी फरवरी जो मंथ्स हैं हमारे उसके कोड याद करवाए जाते हैं। आज आपको कोई भी कोड याद करने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आता वो लॉजिक पूछिए, प्रॉपर लॉजिक से आपके माइंड में चीजें डाली जाएंगी आज, ठीक है जी। अब 100 वर्ष के अंदर 5 दिन लिखे हुए हैं यहां पर, अब ये कैसे हो गए? अब हम 100 वर्ष है, ठीक है जी, 100 वर्ष के अंदर क्या है, आफ्टर एवरी 4 ईयर, आफ्टर एवरी 4 ईयर क्या होता है हमारा, लीप ईयर, ठीक। तो 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर होंगे? 100 लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है जी। 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 25। बट 100 जो है वो लीप ईयर नहीं है, हमने अभी देखा कि सेंचुरी जो पूरी होती है वो 400 से डिवाइड होनी चाहिए, तो यहां पर बनेगा -1, यानी कि लीप ईयर कितने हो गए, 24। 24 लीप ईयर हो गए एक 100 साल के अंदर। और अब जो नॉर्मल ईयर, जो सिंपल ईयर्स हो गए हमारे, वो कितने हो गए, 100 -24 यानी के 76। अब लीप ईयर के अंदर कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 2, ठीक। तो 24 × 2 इक्वल्स टू कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए ये हमारे पास, 48। और सिंपल ईयर के अंदर कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 1, तो ये हुआ 76। तो 48 और 76 को अगर हम टोटल करें, यहां पर करते हैं हम इसका टोटल, 48 + 76 इसका टोटल किया जाए तो 8 और 6 14, +1 4 +1 5 और 7 12। और 124 को, 124 को जब हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, ठीक है जी। तो ये क्या होगा, 7 7 5 और 7, ऊपर से 4 आया हमारा, और 7 7 49, 49 के बाद क्या बचा, 5। यही 5 डेज यहां पर मेंशन है। तो 100 सालों के अंदर कितने डेज एक्स्ट्रा हुए हमारे, 5 दिन एक्स्ट्रा हुए। वो 5 दिन कैसे एक्स्ट्रा हुए ये आप सभी ने अभी लॉजिक से देखा। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या 100 सालों के अंदर जो 5 दिन एक्स्ट्रा हुए ये आपको समझ में आए कि कैसे हुए? सबसे पहले हमने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, 100 सालों के अंदर लीप ईयर देखे हमने, 100 लीप ईयर नहीं होता तो बचे कितने, 24 लीप ईयर। तो 24 लीप ईयर हो गए, और सिंपल ईयर कितने हो गए, 100 - 24 यानी के 76। अब 76 जो सिंपल ईयर है उनके अंदर 1 दिन एक्स्ट्रा और लीप ईयर के अंदर 2 दिन एक्स्ट्रा। तो 24 के अंदर, 24 ईयर्स के अंदर 2 डेज एक्स्ट्रा होने से कितने एक्स्ट्रा डेज हुए, 48 + 76। तो ये हमारा बना यहाँ पर 48 + 76, 124। और 124 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना है, 5, जिसने हमारे यहाँ पर दिन बनाए 5, ठीक है जी, 5 दिन एक्स्ट्रा। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि 200 ईयर्स में कितने डेज एक्स्ट्रा होंगे, जल्दी से बताएं 200 ईयर में कितने डेज एक्स्ट्रा होंगे। सिंपल सी चीज पूछी है, 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा, 5, तो 200 में कितने हुए, 10, 5 + 5 यानी कि 10। और 10 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 3। तो 200 सालों में कितने दिन एक्स्ट्रा हुए, 3। समझ में आया सभी को कि जब 100 सालों में 5 दिन आ रहे हैं तो 200 सालों में कितने दिन हो गए हमारे, 3 दिन। क्यों, 100 और 100, ठीक है जी, 100 और 100, 5 और 5 10। अब 10 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो गए हमारे, यहां पर करते हैं देखिए,
ये हो गया 100 वर्ष जो हुए, 100 प्लस 100, तो यानी कि अगर हम एक्स्ट्रा डेज की बात करें तो 5 प्लस 5 यानी कि 10, और 10 को जब 7 से डिवाइड किया तो इसका जो रिमाइंडर है वो आया हमारे पास 3। यहां पर आप इसको डिवाइड भी करके देख लीजिए ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, 7 वन 7 और ये आया 3। ठीक है जी, अब ये समझ में आया कि 3 दिन कैसे बन गए। ठीक, बिल्कुल 10 के बाद 3 के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है जी, 3। अब जल्दी से मुझे बताइए कि 300 डेज में कितने, 300 ईयर्स में कितने डेज एक्स्ट्रा बनेंगे, जल्दी से बताएं। जब भी आपके एक्स्ट्रा डेज 7 या 7 से ऊपर चले जाते हैं तो आप उसको 0 या 1 2 3 4 में दोबारा कन्वर्ट करें। ठीक है जी, जैसे अब 10 डेज आए तो 10 को अगेन 7 से डिवाइड करो, वो तो वीक पूरा हो गया, तो ओ डे तो हमारे या एक्स्ट्रा डेज तो हमारे 3 ही निकले, बाकी तो वीक हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब जल्दी से 300 ईयर्स के अंदर मेरे को बता दीजिए कि 300 ईयर्स के अंदर कितने एक्स्ट्रा डेज है, जल्दी से बताएं। 300 ईयर्स के अंदर 300 ईयर्स को कैसे करोगे, 100 को 3 बार प्लस कर लो, 100 प्लस 100 प्लस 100, तो एक्स्ट्रा डेज यहां पर आए 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी के 15, और 15 को जब हम 7 से करेंगे तो रिमाइंडर आया 1। या आप इसको क्या करो, 100 प्लस 200, और 100 में कितने थे 5 और 200 में कितने थे 3, तो ये बना 8 डिवाइड बाय 7 यानी के 1। बिल्कुल राइट, इसका बनेगा 1, तो 1 डे एक्स्ट्रा होगा 300 के अंदर। बिल्कुल ठीक, 300 वर्ष के अंदर 1 दिन, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बताया। अब तो मतलब अच्छा लग रहा है, आपका रिप्लाई आ रहा है। अब जल्दी से मुझे बताएं कि 400 ईयर्स के अंदर कितने होंगे भाई, 400 ईयर्स के अंदर कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, जल्दी से मुझे बताइए। इसके अंदर एक लॉजिक और लगेगा, लीप ईयर वाला, उसको जरूर इंक्लूड करना है, मिस्टेक मत करना। ठीक है जी, जैसे कि अगर हम इसको 100 से कर लेते हैं, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो 4 टाइम्स अगर 100 आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम एक्स्ट्रा डेज जोड़े तो बने 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 20। बट 400 क्या है, लीप ईयर, 400 क्या है, लीप ईयर। इसको यहां तक 100-100 के अकॉर्डिंग क्या काउंट हुआ है, सिंपल ईयर, तो 400 खुद क्या है, लीप ईयर। और लीप ईयर में होते हैं 2 एक्स्ट्रा दिन, अब 2 होते हैं, अब 2 नहीं जोड़ने, यहां पर जोड़ना है 1। क्यों, क्योंकि 1 तो पहले ही जोड़ रखा है, सिंपल ईयर तो हमने इसको मान ही रखा है, सिंपल ईयर मान रखा है, तो यानी कि 1 पहले जुड़ गया तो ये हुआ 21। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आया 3। ठीक है जी, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये बना हमारा 3। ठीक है, तो 3 हमारा, सॉरी, 3 से हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसका रिमाइंडर आया 0। तो एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे जो रिमाइंडर देखना है हमने, तो 400 के अंदर 0 एक्स्ट्रा डेज बनेंगे। ठीक है जी, 400 के अंदर 0, जो मैं ही मेरे साथी 6 तक पहुंचे हैं वो 400 का लीप ईयर हो गया, तो लीप ईयर के 2 साल जुड़ने थे, हमने अभी उसको सिंपल ईयर कंसीडर किया, तो 1 तो जुड़ गया सिंपल का, पर 2 जोड़ने थे यानी कि 1 और प्लस करो तो ये बनेगा 0 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है जी, तो ये बना हमारा 0 एक्स्ट्रा डेज। तो ऐसे ही जो 400 साल के बाद कितने हो जाते हैं एक्स्ट्रा डेज, 0, तो 400 लीप ईयर पे 0 आ गया, तो ऐसे ही 400, 800, 1200, 1600, 2400, 2000, 2800, जो भी चलता चलेगा 400 की सीरीज के अंदर, वहां पर अधिक दिन कितने होंगे, 0। इसका और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है जी, जो हमारे ये एक्स्ट्रा डेज बने। ठीक, अब ये एक्स्ट्रा डेज ही हमें बताएंगे कि कौन सी चीज कैसे निर्धारित होती
होगी। ठीक है जी। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेने के बाद जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, हमने देखे एक्स्ट्रा डेज, लीप ईयर, और कई सालों के बाद कैसे कैसे हम उनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये आए हमारे दिन। अब दिन को जब हम हिंदी में बोलते हैं तो सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, ऐत, यानी कि रविवार। ठीक है जी, तो ऐसे बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या आया हमारा? सोमवार। तो हम सोमवार को शुरू करेंगे हमारे कोड नंबर 1 से। जब भी रिमाइंडर 1 आएगा तो हम कौन सा डे लिखेंगे? सोमवार, यानी कि मंडे। जब भी रिमाइंडर 2 आया तो ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। ऐसे ही 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे, और 7, 7 रिमाइंडर आएगा ही नहीं। जब कंप्लीट वो 7 हो जाता है तो 7, 7 से कंप्लीटली डिवाइड होने पे हमारा रिमाइंडर आता है 0। तो रविवार को हम 0 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो अब हम आगे हमारी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है जी, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? ठीक है जी, अब जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं हम। सबसे पहले आप मेरी तरफ देखिए, सम को सोल्व कैसे करना है। फर्स्ट सम को मैं करता हूं, इसी अकॉर्डिंगली हम आगे सम को भी सोल्व आउट करेंगे। 1 जनवरी 2020, यानी कि अगर हम कंप्लीट ईयर की बात करें तो कंप्लीटेड जो ईयर्स हैं वो कितने हो गए? इसमें से -1 हो गए 2019। 2019 क्या हो गए हमारे? कंप्लीट ईयर। ठीक है जी, अब 2019 को हम कैसे लेते हैं? दिन तो सूरत से स्टार्ट होता है जी। बाकी ये आप जो हम हिंदी में यूज करते हैं उसको सोम, मंगल, बुध, वीर से लिखा जाता है। इंग्लिश के अंदर हम संडे, मंडे कहते हैं। जब भी हम बच्चों को कहते हैं तो हमेशा उनको यही कहते हैं इंग्लिश में, हम संडे मंडे सुनाओ, और जब हिंदी में कहते हैं तो सप्ताह के दिन सुनाओ, तो हम सोम, मंगलवार से ले रहे हैं। जो ये मैंने आपको बेसिक टेक्निक बताई है, इसके अंदर आपने दिन सोमवार से शुरू करना है, 1 से। अदरवाइज आपको फिर वो सारे के सारे कोड याद रखने पड़ जाएंगे, जो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। अगर हल्का सा कोड आप भूल गए तो फर्क तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि रटने का मैं पसंद नहीं करता। रटना नहीं होता हमें, हमें चीजों को समझना होता है। जो हमने आज चीजें की हैं वो सारी चीजें लॉजिक वाइज आगे बढ़ती आ रही है, लॉजिक से आगे आ रही है। ठीक है जी, तो अब यहां पर देखिए, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 कंप्लीटेड ईयर कितने हो गए? 2019। अब 2019 को अगर हम टुकड़ों में बांटें तो 2000 प्लस में 19, 2000 के अंदर एक्स्ट्रा डेज कितने हुए? एक्स्ट्रा डेज 0। अब 19 के अंदर हमने निकालने हैं एक्स्ट्रा डेज। अब 19 साल के अंदर एक्स्ट्रा डेज कौन से हुए? सबसे पहले तो हम 19 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो हमारा 4 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसके अंदर क्या हुआ? 4 तो लीप ईयर हुए, और 19 - 4 यानी कि 15 क्या हुए? सिंपल ईयर। लीप ईयर के अंदर 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं तो 8 दिन हुए, और सिंपल ईयर के अंदर 1 दिन एक्स्ट्रा होता है तो ये हुए 15, और 8 और 15 हमारे हुए 23। अब 23 को हमने किससे डिवाइड करना है? 7 से। ठीक है जी, 23 को किससे डिवाइड करना है हमने? 7 से। तो ये आया 7 3 21, तो यहां पर ये बना 2। तो अब जल्दी से मुझे बताइए कि इस 2 के अकॉर्डिंगली कौन सा डे बनेगा 1 जनवरी 2020 को? 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन बनेगा?
रिमाइंडर कितना आ गया? दो। अब यहां पर इसको जोड़ना मत भूल जाना, ठीक है जी। सबसे पहले क्या था हमारा? दो पे हमारा क्या बनता है? दो पे हमारा बनता है ट्यूसडे। बट ये ट्यूसडे क्या कैलकुलेट हुआ? पूरे 2019 का, यानी कि 31 दिसंबर का। अब इसके अंदर ये वाला प्लस वन, यानी एक दिन और ऐड करेंगे इस ट्यूसडे के अंदर प्लस वन करके, तो हमारा डे आएगा वेडनेसडे, 1 जनवरी 2020 को, ठीक है जी। 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन आया हमारा? वेडनेसडे। ट्यूसडे के अंदर 1 जनवरी जोड़ना भूल गए हम, ठीक है जी, उसको याद रखिए, क्योंकि तो एक नेक्स्ट डे पूछा गया है हमसे यहाँ पर, ठीक है जी। अभी हमने जो कैलकुलेट किया था वो कंप्लीट ईयर किया था, वो हमने क्या किया था? कंप्लीट ईयर। अगर आपसे पूछ लिया जाए, लीप ईयर की तरफ मत जाओ, लीप ईयर तो फरवरी में आके जुड़ता है, लीप ईयर फरवरी में आके जुड़ेगा, फरवरी के बाद से दिक्कत आएगी। फरवरी से पहले वो, मतलब फरवरी तक वो 28 दिन और जनवरी जो है वही रहेगी, मार्च के अंदर जाकर चेंज होगा, ठीक है जी। तो प्लस वन 1 जनवरी 2020 का जरूर कर लेता, ठीक है जी। तो ये बनेगा हमारा वेडनेसडे, लीप ईयर का नहीं, लीप ईयर की वजह से नहीं जुड़ेगा, यहां पर एक तारीख को हमने जोड़ा नहीं, ठीक है जी। हमने 2019 को कैलकुलेट किया था, अभी यहां तक 1 जनवरी और जुड़ेगी, ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, कि 1 फरवरी 2021 को सोमवार होगा, 1 फरवरी 2021 को सोमवार होगा, तो 15 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? तो 15 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? यहां पर आया हमारा 15 तारीख और 1 तारीख। 15 तारीख और 1 तारीख के बीच में कितने दिनों का गैप है? 14 दिनों का। अब इस 14 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 14, तो रिमाइंडर आया 0, तो यानी कि 0। तो कोई भी दिन इस सोमवार के अंदर ऐड नहीं हो रहा, तो सोमवार ही होगा 15 फरवरी 2021 को भी, ठीक है जी। तो 15 फरवरी 2021 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। इसको और याद रखने का तरीका है, 7 डेज होते हैं ना, तो एक आया, ये देखिए बाकी सारी चीजें क्या है हमारी? सेम है, फरवरी 2021, फरवरी 2021, ठीक है जी, फरवरी 2021 ही है, तो तारीख में फर्क है 1 और 15। तो कभी भी वो 7 प्लस कर दो, सिंपल सा है, तो 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 7 15, सेम डेट ही आ गई, तो मंडे था और मंडे ही होगा। तो जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये हमारा मंडे बनेगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है, आपसे थोड़ा उल्टा पूछ लिया गया, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अभी हमने आगे की डेट निकाली थी, अब हमने पीछे की डेट निकाली, अब हमने पीछे की डेट निकाली, ठीक है जी। 9 नवंबर 1986 को रविवार था, तो उसी वर्ष 1 नवंबर को कौन सा दिन था? तो उसी वर्ष 1 नवंबर को कौन सा दिन था? अब इसके अंदर क्या है, हमने पीछे चलना है, रिवर्स चलना है, 9 माइनस 1 यानी कि 8, ठीक है जी। अब 8 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 वन 7, ये क्या है? रिमाइंडर 1। अब हमने क्या है, पीछे जा रहे हैं, तो इस रविवार के अंदर हमने 1 माइनस करना है, तो जब हम रविवार के अंदर -1 करेंगे तो ये आएगा शनिवार,
यानी के सैटरडे। ठीक है जी, तो थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बना वो हमारा बना है शनिवार यानी के सैटरडे। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर सैटरडे। ठीक है जी, अब आप एक चीज देखिए, ये हमने एक्स्ट्रा डेज निकाले थे। जनवरी हमें पता है 31 दिनों की होती है, जनवरी 31 दिनों की। अब 31 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया? 3। रिमाइंडर क्या आया? 3। तो जनवरी के अंदर एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए हमारे? 3। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 फरवरी को क्या होगा? 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 फरवरी को क्या होगा? 3 दिन एक्स्ट्रा है, 31 दिन जोड़ने की जरूरत नहीं है, 3 दिन जोड़, सोम के अंदर 3 दिन जोड़े, सोमवार के बाद मंगलवार बुधवार वीरवार, वीरवार होगा। ठीक है जी, वीरवार हो गया। फरवरी के अंदर 28 दिन, अगर सिंपल ईयर है तो 0 डेज एक्स्ट्रा है, 29 दिन है तो 1 डे एक्स्ट्रा है। ऐसे ही मार्च में फिर 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन। ठीक है, क्योंकि जितने दिनों का मंथ है उतने डेज के अकॉर्डिंगली, क्योंकि 28 तो सीधा हमारा वीक बना रहा है। ठीक है जी, तो इस चीज को याद कब रखने की जरूरत है? मान लीजिए आप, अब हमने क्या देखा था, हमने 1 जनवरी की डेट निकालनी देख ली, चाहे कोई भी सन हो। ठीक है जी, अब आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मई को क्या होगा? 1 मई 1990 को क्या होगा, या 1 मई 2000 को क्या होगा? तो 2000 का तो हमें पता है कि 0 होगा। अब 1 मई है, अब मई से पहले अप्रैल कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब यहां पर ये देखिए सन 2000 है, तो 2000 के अंदर 1 डे ये वाला एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है जी, यहां पर ये वाला 1 डे एक्स्ट्रा बनेगा और ये वाला जो 1 डे है ये नहीं आएगा। तो अगर हम जोड़े जनवरी के 3 और डे, फरवरी के 1, मार्च के 3, अप्रैल के 2। ठीक है जी, ये हमारे बन गए 9। ठीक है जी, 9 डेज एक्स्ट्रा। तो कभी भी पूरे मंथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे कुछ साथी क्या करते हैं, मैंने एग्जाम में देखा है, मई की कोई डेट पूछ ली तो जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च, अप्रैल, उन सबको पूरा टोटल करने लग जाते हैं। आपने पूरा टोटल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या टोटल करना है? ओड डेज टोटल करना। टोटल करना बहुत ही